नमस्कार। आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों में क्रेडल कैप के बारे में, सिर पे जो पपड़ी जम जाती है। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं, तो इसमें सावधानी से अगर हम बच्चे की देख रेख अच्छी तरह से करें तो इस पपड़ी से कोई दिक्कत नहीं होती और पपड़ी नहीं जमती। शुरू में तो जब पपड़ी जमती है तो पेरेंट्स को लगता है कि नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन कुछ एक दो हफ्ते के बाद बच्चे के सिर में खारिश होने लगती है, आँखों में खारिश, कान में खारिश। ऐसे बच्चा परेशान होता है तो रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी सी होती है। तो इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। इसके लिए हमें स्किन की फिजियोलॉजी को समझना होगा। जो हमारी चमड़ी होती है उसमें सात तह होती है, सात लेयर होती हैं। तो यूजली ऊपर की स्किन धीरे धीरे करके शेड ऑफ होती रहती है, लाइफ लॉन्ग स्किन हमारी शेड ऑफ होती रहती है। उसकी कुछ परत धीरे धीरे उतरती रहती है, जैसे सांप की केंचुली उतरती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, नहाते समय वो वॉश आउट हो जाती है। जो सिर में हल्के हल्के से बाल होते हैं बच्चे के, उसमें जो स्किन की परत उतरती है हल्की सी, तो उसकी सेल्स की जो डेड सेल्स हैं वो डेब्रिस कहते हैं उसे, डेब्रिस, डेड सेल की डेब्रिस, वो इकट्ठी रहती है, एंटेंगल्ड रहती है। उसमें डेब्रिस में फंगस को लॉज करने का मौका मिल जाता है। और जो कुछ बच्चों में सीबेसियस ग्लैंड्स जो होती हैं, तेल बनाने की ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां और तेल की ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स और सीबेसियस ग्लैंड थोड़ी सी ओवर एक्टिव होती हैं, हाइपर एक्टिव होती हैं, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा तेल का निर्माण होता है। कई बच्चों को माट के पेट से हार्मोन्स ज़्यादा मिल जाते हैं, जिससे कि उनमें तेल ज़्यादा बनता है। तो उससे यहाँ पे धीरे धीरे करके ग्रीसी सा कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, करना गुरु मेरे सामने, ये नीचे देखो, सामने नीचे से देख रहे, ये देखिए, ये है क्रेडल कैप। बड़ा ग्रीसी सा लुक है इसका, देखने में चिकना चिकना सा लगता है, जिसमें पपड़ी सी जमी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए जब सीबेसियस ग्लैंड के कलेक्शन तेल सा हल्का सा इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा मैल उसमें होता है, बाल छुपे होते हैं, तो पपड़ी बन जाती है। अगर उस पपड़ी को कई बार कोई उतारता है तो उसमें से ब्लड भी निकलता है और बच्चे को बड़ी खारिश होती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए तो डेली बच्चों को नहलाना अच्छे तरीके से, और यहाँ पे भी खंगालना है अच्छे से, खूब सा पानी डाल के खंगालना है, जिससे कि यहाँ पे कोई डेड सेल्स बचे ना। तो अगर शुरू से ऐसा ध्यान रखेंगे हम तो अच्छा रहेगा। नहलाने के लिए बच्चे के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें बच्चे के लिए हर्बल सोप यूज़ करें तो अच्छा है, जैसे पतंजलि की भी आती है, हिमालय की आती है हर्बल सोप। इनमें तुलसी, चंदन, हल्दी, नीम, जड़ी बूटियाँ होती हैं, इससे नहलाएं। केमिकल वाली सोप ज़्यादा यूज़ ना करें, उससे स्किन ज़्यादा रूखी हो जाती है। केमिकल्स जितने भी डिटर्जेंट्स लगते हैं स्किन के, तो दिक्कत होती है। हर्बल सोप बड़ी अच्छी रहती है जो जड़ी बूटियों से बनी होती है। और बाकी प्रतिदिन नहाने से पहले थोड़े से देर पहले खूब देर मालिश करें, पतंजलि का जैसे वो आता है, तेल आता है, तो तिल, बादाम, अखरोट, सरसों, नारियल, नीम, ऐसे कई उसमें तेल मिले होते हैं, ऐसे हर्बल ऑयल जितने भी आते हैं उनसे, हर्बल ऑयल से खूब पहले मालिश करें बच्चे की काफ़ी देर तक। फिर थोड़ी देर के बाद फिर नहलाएं, नहलाते समय ऐसे थोड़ा सा अमाउंट लेके साबुन का उसे नहला दें, या फिर पतंजलि का भी एलोवेरा शैम्पू आता है तो जड़ी बूटी से बना हुआ, उससे भी हफ्ते में एक दो बार नहला सकते हैं। बस थोड़ा सा ही मात्रा काफ़ी है, तो उससे फिर ऐसी क्रेडल कैप बनने की नौबत नहीं आती। अगर क्रेडल कैप हो गई है, अगर पपड़ी बन गई है और उसमें खारिश है, बच्चा परेशान है, रात को नहीं सो पाता, दूध पीने में दिक्कत होती है, बस ऐसे करता रहता है, तो उसमें फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके एंटी फंगल शैम्पू यूज़ करें। उससे लगभग 100% बच्चों को रिलीफ मिल जाता है। पहले दिन से बच्चा बड़ा आराम से सोता है, उसे खुजली नहीं होती कहीं आँखों कानों पे और ऐसे, तो वो यूज़ करें। कभी कभी एंटी फंगल लोशन की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे तेल की तरह से लोशन लगाना पड़ता है, तो उससे भी बड़ी हीलिंग अच्छी हो जाती है और वो साफ हो जाता है। तो इस चीज़ का ट्रीटमेंट भी करें, और आगे से ऐसा ना हो तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए बच्चों को अच्छी तरह से नहलाएं, खूब डेली सुबह मालिश करें, और मदर अपनी डाइट का ध्यान रखें, मदर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मदर के दूध की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना बच्चा हेल्दी रहेगा। उसके अलावा बच्चे को कपड़े क्लोथिंग कॉटन की होनी चाहिए। अगर सूती कपड़े पहनाएंगे तो ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होगी। अगर सिंथेटिक क्लोथिंग ज़्यादा है, हमने ज़्यादा पैक करके रखा हुआ बच्चे को, तो फिर उसे वेंटिलेशन स्किन का पोर रहता है, और फिर ओवर सिक्रीशन होता है सीबम का और स्वेट का। तो क्लोथिंग का भी ध्यान रखें, और वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस पे रखें, थोड़ा सा वेंटिलेशन अच्छा रहे घर का, उससे भी फ़ायदा मिलता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर भी दे रखा अपना, आप फ़ोन भी करें। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं, जिससे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिले, और बच्चों के बारे में, पूरे परिवार के हेल्थ के बारे में आपको टाइम टू टाइम नॉलेज मिलती रहे। और मेरा फेसबुक पे भी पेज है, जगदम्बा बेबी केयर सेंटर नाम से, तो फेसबुक का पेज भी फॉलो करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।